वेलकम टू माई चैनल कुक विद शाहीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी जुकीनी मटन करी रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए जुकीनी मटन करी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम गोश्त ऐड करेंगे। 500 ग्राम मैंने बकरे का गोश्त लिया है, वो ऐड कर देंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जुकीनी को हम पंजाबी में माड़ू भी कहते हैं। वो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो स्लाइस में कटे हुए, वो भी ऐड कर देंगे। 2.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें गोश्त आसानी से गल जाए। 8 से 10 लहसुन के जवे ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। 1 अदद मोटी इलायची ऐड करेंगे। हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे। आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं गोश्त को। जुकीनी आप सिंगल भी बना सकते हैं, मसाला भून के आप बनाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होता है। हेल्दी रेसिपी है ये। देखें 750 ग्राम मैंने जुकीनी ली है। सबसे पहले पीलर की मदद से छिलका उतारेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदों से भरपूर सब्ज़ी है ये। स्पेशली गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें। स्पेशली जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही मफीद है। ब्लड प्रेशर के लिए, दमे के अमराज के लिए, इनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही मफीद है। छिलका उतार दिया है, मोटे मोटे साइज़ में आपने काट लेना है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। गोश्त को हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। अब हम ऑयल ऐड करेंगे। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो जुकीनी की सब्ज़ी बनाकर खाएं, वो भी फ़ायदेमंद है उनके लिए। कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। फाइबर और पानी से भरपूर है ये सब्ज़ी। अच्छे से गोश्त की हमने बुनाई कर ली है। पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है सब्ज़ी में। विटामिन सी की मिकदार पाई जाती है। अच्छे से गोश्त के साथ थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। पानी हम बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे, चूँकि पानी ये अपना ही छोड़ देता है, अपने पानी रिलीज़ करेगी ये सब्ज़ी। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार है। अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, प्लेन राइस के साथ खाएं, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। बहुत ही फेवरेट गज़ा है उनकी सब्ज़ी ये। ये देखिए अच्छे से तरी भी आ चुकी हुई है। लास्ट में हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे। अब मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। जुकीनी मटन करी रेडी है। पंजाबी में हम इसको माड़ू गोश्त ही बोलेंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें कुक विद शाहीन के नाम से। इंस्टाग्राम पर मेरी रेसिपीज को फॉलो करें। और अगर आपको रिटर्न रेसिपीज चाहिए तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विजिट करें cookwithshaheen.com। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।